आईटीआई मंडी में मारुति सुजुकी कंपनी द्वारा दो दिवसीय पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है। आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने बताया कि मारुति सुजुकी कंपनी द्वारा 18 अगस्त को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था और उस लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों का पर्सनल इंटरव्यू कंपनी द्वारा लिया जा रहा है। आईटीआई मंडी में मारुति सुजुकी कंपनी द्वारा 25 और 26 अगस्त को दो दिवसीय पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है। आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने बताया कि मारुति सुजुकी कंपनी द्वारा 18 अगस्त को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें हिमाचल के साथ अन्य राज्यों के लगभग 1000 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। उन्होंने बताया कि उस लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों का पर्सनल इंटरव्यू कंपनी द्वारा लिया जा रहा है। कंपनी द्वारा उम्मीदवारों को SMS के द्वारा सूचित कर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और पहले दिन लगभग 300 युवाओं को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। जैसे कि विदित है कि पूरे इंडिया से इवन उड़ीसा, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान से लोग उस दिन इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे और उसका रिजल्ट जो है रिटर्न टेस्ट का कंपनी ने निकाल दिया था और जो 6 लोगों ने रिटर्न टेस्ट क्लियर किया उनको मैसेज के द्वारा जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी आईटीआई मंडी में ही नियुक्ति दिया और 25 और 26 अगस्त जो है उन्होंने इसकी पर्सनल इंटरव्यू की डेट रखी आईटीआई मंडी में। उसी के तहत आज जो है लगभग 300 युवा जो हैं जिन्होंने रिटर्न टेस्ट क्लियर किया है वो पूरे इंडिया से यहाँ इस टेस्ट को जो है आज दे रहे हैं। इसमें खाली उनसे पर्सनल इंटरव्यू हो रही है और आज अगर ये लोग इसमें पास हो जाते हैं तो उनकी सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल पक्की है। बाकी 300 के लगभग लोग 26 अगस्त इसको ज्वाइन करेंगे तो मैं समझता हूँ आईटीआई मंडी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक इंडिया लेवल का कैंप जॉब का यहाँ आईटीआई मंडी में लगा हुआ है और लोगों को रोजगार यहाँ मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।